हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी का संकल्प पत्र के बारे में कहा कि भाजपा ने कांग्रेस की तरह छोटे नारे देने की बजाय देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया, इसलिए बीजेपी ने घोषणा पत्र नहीं अपना संकल्प पत्र पेश किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी के बारे में कहा कि भाजपा ने कांग्रेस की तरह छोटे नारे देने की बजाय देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है, इसलिए भाजपा ने घोषणा पत्र नहीं अपना संकल्प पत्र प्रस्तुत किया है। भाजपा चुनाव के जरिए अपना लाइसेंस रिन्यूअल कराने जा रही है। गोल्डन रिन्यूअल तभी होगा जब 400 सीटें जीत जाएंगे। मैं इसमें स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे संकल्प पत्र है वो घोषणा पत्र नाम से इस प्रकार का कोई एजेंडा नहीं है। अंतर यह है कि घोषणा पत्र में तो कुछ प्रोजेक्ट बताए जाते हैं, हम ये प्रोजेक्ट बना देंगे, वो प्रोजेक्ट बना देंगे। संकल्प पत्र एक दिशा होती है, देश को किस दिशा में ले जाना, देश के विभिन्न वर्गों को किस प्रकार से और आत्मनिर्भर बनाना, ताकि हमारा हर इकाई ये आत्मनिर्भर होते होते और देश आत्मनिर्भर हो। वही कांग्रेस के घोषणा पत्र में आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों को 1 लाख रुपए सालाना देने के सवाल पर मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस इस तरह 80 लाख करोड़ रुपए देगी, जबकि देश का सिर्फ 47 लाख करोड़ का बजट है। किसानों को MSP देने के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में 14 फसलें MSP पर खरीदी जा रही है। कांग्रेस के इतने सालों के अंदर इसको कभी समाप्त करने की बात भी नहीं कही, हिम्मत करना तो दूर, बात करने की हिम्मत भी नहीं। आखिर किस तरीके से और इन चुटकियों में खत्म कर दिया। 500 साल पुराना राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने की बात ये समाज करता रहा है और कितनी खून खराबा हो जाएगा, ये होगा वो होगा, क्षणों में मिनटों में कर दिया। जिस वर्ग की कांग्रेस तुष्टिकरण करती रहती थी, खास करके मुस्लिम वर्ग की, वो ब्रेक के नाते करती थी। बहरहाल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य हर इकाई को आत्मनिर्भर बनाना है। आयुष्मान कार्ड के जरिए 70 वर्ष के बुजुर्गों को 5 लाख तक कई इलाज की गारंटी दी है। किसानों की आय वृद्धि के लिए फूड प्रोसेसिंग पर जोर दिया गया है। हरियाणा डेस्क, टोटल टीवी।